हमें पुरुषार्थ की कमी नहीं है और इसलिए हमारी ये जो बच्चों को देखा आपने, आओ बच्चों इधर आओ, ये जो बच्चे हैं इनकी इनकी भावनाएं देखिए, इन्होंने जो वो किया है, ये कहते हैं राष्ट्र हित कुर्बानियां कदम कदम पर हर रहा हो और चाहना मन में रहे बस वतन की साह हो। ये लिख के लाएंगे ये बच्चे अरुणाचल के बच्चे और इन्होंने ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमको भारत सरकार एक अलग सेना बनाई है अरुणाचल की और हम उसमें भर्ती होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं चीन को। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, यदि उनके मन में देशभक्ति का इतनी पुस्तक चाह है तो मैं सोचता हूँ समझ लेना चाहिए दुनिया को कि भारत जैसा देश उस पर कोई भूल से भी आंख उठा करके क्या पसंद आपने दिया। नहीं, मैंने बच्चों को, मुझे बहुत खुशी है कि संस्थान में भारतीय जनजाति सूचना विद्या संस्थान में ये बच्चे आप पढ़ रहे हैं और ये बच्चे जिस आत्म भाव से आत्म सम्मान के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि ये हमारा राष्ट्र का गौरव है। हमारे बच्चे बच्चे में भी देशभक्ति का खून उनकी रगों में बहता है और उनकी बात को प्रधानमंत्री जी तक निश्चित रूप में मैं पहुँचाऊँ। लंबी सीमा रेखा है यहाँ पे उत्तराखंड का चीन से जुड़ा हुआ, उसके सुरक्षा के लिए क्या कुछ चल रहा है राज्य की तरफ। चीन का 275 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं हमारी जो उत्तराखंड से जुड़ी है और उधर ITBP इस भारत सरकार की ओर से अन्य फोर्सों के साथ ITBP विशेष सुरक्षा की दृष्टि से रहती है और ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार जो कदी है उत्तराखंड सरकार का तो आंतरिक सुरक्षा का विषय है, हम लोग तो चौकस हैं। लेकिन इसी सब को देखते हुए हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों जब एक बैठक दिल्ली में हुई आंतरिक सुरक्षा पर, तो ये निवेदन किया था हमने कि उत्तराखंड को 275 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं उसको देखते हुए जो हिमालय है, हिमालय बेल्ट में अलक्षा पर्वतीय सुरक्षा बल एक गठन किया जाए, उसको राज्य सरकार को दे दिया जाए ताकि हम न केवल उसकी सुरक्षा बल के पर्यावरणिक सहित तमाम उस फोर्स से वो काम ले सकते हैं जो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से हमको और मजबूती दे सकता है। दीपावली पर ये दीपावली का पर्व हम सब के लिए एक प्रेरणाप्रद हो, ऐसी अंधेरे को मिटा करके सबके जीवन में प्रकाश हो, उजाला हो, निराशा खत्म हो करके आशा का संचार हो। हमारे देश में 365 दिनों में 366 उत्सव होते हैं। दुनिया का अद्भुत देश है हिंदुस्तान, जिसमें इतना उत्साह और उल्लास बना रहता है और उसमें भी दीपावली जैसा जो त्यौहार है वो लोगों के जीवन को दीपों की तरह जगमगाने के लिए आता है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन उन दीपों की तरह हमेशा जगमगाता रहे। मैं प्रदेश वासियों को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाए, वो खुशी का इजहार अपने भविष्य तक के लिए और आगे बढ़ करके करें और सबके जीवन में हमेशा सुख शांति और उजाला, ऐसी प्रगति का उजाला हो, ऐसी मेरी शुभकामना। आपसे मिलने आए हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, उनकी मांग है कि एक अरुणाचल के लिए अलग से बटालियन बनाई जाए, तो आप क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से इस बात को आप आगे रखेंगे। इनकी जो भावनाएं हैं वो मैं सोचता हूँ कि जो ढंग से ये बच्चे यहाँ पर देहरादून में जो एक देश का अभिनव संस्थान है भारतीय जनजाति सूचना विद्या संस्थान और आदरणीय तरुण जी जिसको संचालित करते हैं, देश के जनजाति क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने का ये संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इन बच्चों ने आज आकर के ज्ञापन दिया है
और ज्ञापन ये दिया है कि हम देशभक्त लोग हैं अरुणाचल के, और अरुणाचल के लिए एक अलग से फोर्स गठित की जाए, उसमें उस सेना में उस फोर्स में उसमें भर्ती होने का उन्होंने अपना मन किया है कि हम उसमें भर्ती होना चाहेंगे। भर्ती क्यों होना चाहेंगे, ये दिखाना चाहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं और चीन भूल से भी कभी अरुणाचल की ओर न देखे। ये इनके मन के अंदर जो राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा प्रभावित हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों के लिए, देश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है। और ये जो ज्ञापन इन्होंने दिया है, ज्ञापन में यही कहा है इन्होंने, और इतना ही नहीं कुछ पंक्ति लिख करके भी लाए हैं जिसमें कहा कि राष्ट्र हित कुर्बानियां कदम कदम हर राह हो, और चाह न मन में रहे बस वतन की चाह हो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके मन के अंदर वतन की चाह इस सीमा तक है कि वो किसी भी कुर्बानी को देने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो हिंदुस्तान है, जो मेरा अरुणाचल है, इसकी ओर कभी चीन भूल से भी देखने की कोशिश न करे। ये न समझे कि अरुणाचल कमजोर है, हम पूरी ताकत के साथ पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अरुणाचल और हिंदुस्तान बिल्कुल एक साथ जुड़ा है, उस पर कोई आंख न उठा। मुख्यमंत्री जी, ये बच्चों में देशभक्ति का जज्बा आपकी पंक्तियों से आया, और आपकी पंक्तियां उन्होंने लिखी भी ज्ञापन में, और अरुणाचल के बाद अगर उत्तराखंड की बात करें, थाई चाई तक माना के आगे जोशीमठ में थाई चाई गांव तक चीन अपना दावा करता है, जो कि थाई चाई उत्तराखंड में आता है, तो आपको नहीं लगता कल को उत्तराखंड के बाद चाइना यहां भी नजर डाल सकता है, और अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए, हाँ अरुणाचल के बाद यहां भी नजर डाल सकता है, हम अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए किस तरह से आगे आएंगे, अभी से क्या प्रिकॉशन लें? मुझे लगता है आपको मालूम है कि 1962 के युद्ध में तब भी चीन ने कहा था कि इस स्थान तक ये क्षेत्र हमारा है, और उस समय चीन को ये महसूस होगा कि आप हमारी उत्तराखंड की माँ बहनों ने सेनानियों की तरह वो सारी सीमा की रक्षा की थी, तो उसको ये कल्पना भी छोड़ देनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का, जैसे मैंने कहा कि हमारा तो लक्ष्य पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना करा है, पूरी दुनिया को हमने अपना परिवार कुटुंब माना है, तो ऐसे आदर्शवादी विस्तारवादी और ऐसे आप जो विश्व को अपना परिवार मानता हो और दुनिया के प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हो, ऐसे देश में आपको छेड़ने की भी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। और चीन को समझना चाहिए कि जब भारत खड़ा होता है तो वो फिर बहुत सारे प्रमाण हुए हैं, और प्रमाण इस बात के हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से अब तक नजर है बाकी नामो निशान हमारा, दुनिया इस बात को जानती है कि इतिहास में न जाने कितने देश खड़े हुए और मिट्टी में मिल गए, हिंदुस्तान ही ऐसा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा है, और वो पूरी दुनिया का उसने मार्गदर्शन किया है, विश्व गुरु कहा है हिंदुस्तान को, तो विश्व गुरु के साथ कोई स्पर्श करे ये कहाँ स्वीकार हो सकता है। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये जो प्रकाश का पर्व है, ये सबके मन के अंधेरों को दूर करे, उजाला सबके जीवन में प्रगति के रूप में आए, और दीपावली को लोग बड़े उल्लास के साथ मनाएं। मेरे पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना कि उस देवभूमि गौरवशाली परंपरा को और आगे बढ़ाएं। कब है आपका, क्या नाम है? जबकिन। जबकिन 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 बहुत अच्छी, ठीक है, मेरी बहुत शुभकामना। भारत माता की जय।